हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे KGF चैप्टर 2 की रिलीज डेट के बारे में, जो कि फाइनली अनाउंस हो चुकी है। और जैसे ही मैंने सुना हो उसके बाद, मतलब मेरे दिल में ऐसे लट्टू फूटे कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अपनी खुशी यहाँ पर किस तरह से जाहिर करूँ ये भी मैं आपको बता नहीं पा रहा दोस्तों। और KGF एक ऐसी मूवी है मेरे लिए पर्सनल की, मतलब उसके बाद मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में मालूम पड़ा जिसके बारे में जीरो नॉलेज थी। मुझे ये तक भी नहीं पता था कि सैंडलवुड नाम की भी कोई इंडस्ट्री है हमारे इंडिया में। मैं आज तक साउथ की फिल्में समझ के तमिल और तेलुगु, वो भी जो हिंदी में डब होती थी, वही देखता था। लेकिन KGF चैप्टर 1 के बाद मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में पता चला कि आज अगर आप देखोगे मेरे इस चैनल को, तो इस चैनल पे सेवरल मूवीज मैंने कन्नड़ मूवीज को रिव्यू किया और एक से बढ़कर एक मूवीज है जो ऐसी मूवीज है कि हिंदी ऑडियंस भी दादो तले उंगली चबा दले। और मैंने जो रिव्यू किया, मैंने उस फिल्मों को देखा है, कन्नड़ लैंग्वेज में देखा है, विद सबटाइटल पे कोई मिली तो उसको विद सबटाइटल देखा है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भाई ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जो छुपी हुई थी, लेकिन KGF मूवी ने इस इंडस्ट्री को समझो बीच में लाके खड़ा कर दिया। और अब माहौल ऐसा है कि जितने भी दोस्त है जो मैं रिव्यू करता था, वो लोग इस रिव्यू को चेक करते हैं और वो लोग भी आजकल कनाडा मूवीज देखने लगे। और हाल फिलहाल में अगर 2020 की बात करें, कनाडा इंडस्ट्री से ज्यादा हिट कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी। आप मुझसे शर्त लगा लो, आप चाहे तो सर्च कर सकते हो, 2020 में सबसे ज्यादा मैक्सिमम हिट देने वाली एक ही इंडस्ट्री है, वो है सैंडलवुड। और अब KGF चैप्टर 2 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब तो भाई जितनी भी इंडस्ट्री वाले सबकी फटने वाले, क्योंकि अगर इस साल में सबसे ज्यादा कमाने वाली कोई फिल्म बन सकती है तो वो डेफिनेटली KGF चैप्टर 2 ही होने वाली है। लेकिन एक खतरा अभी भी है जो टला नहीं, वो खतरा ये है कोरोनो वायरस का। क्योंकि अब आपको पता होगा कोरोनो वायरस के चलते काफी जो बड़ी बड़ी फिल्में जो रिलीज होने वाली थी, चाहे वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो या जो भी इंडस्ट्री की हो, सब अपने अपने रिलीज डेट को पीछे करते जा रहे। और ऐसे टाइम पे KGF चैप्टर 2 के मेकर्स ने इस रिलीज डेट अनाउंस की 23 अक्टूबर दशहरा के टाइम। सवाल ये होता है कि क्या 23 अक्टूबर तक कोरोना वायरस खत्म होता है या नहीं होता है, वो तो बात की बात है, या मेकर्स इसे 23 अक्टूबर यानी दशहरा के टाइम पे ही रिलीज करेंगे, ये सब तो मैं आपको नहीं बता सकता। इतना कह सकता हूँ जो एक्साइटमेंट मैं फील कर रहा हूँ वही एक्साइटमेंट मुझे पता है कि आप लोग भी फील कर रहे होंगे। लेकिन आप लोग भले वीडियो नहीं बना सकते तो मुझे कमेंट करके तो जरूर बता सकते हो कि आप लोग क्या सोच रहे हो ये अनाउंसमेंट को लेकर, और क्या वाकई में तब तक के कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, या अगर खत्म हो भी गया तो क्या ये मूवी जब रिलीज होगी तो ये मूवी अब तक की इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन सकती है। ये सब कुछ मुझे आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और साथ साथ इस बार KGF चैप्टर तो खास इसलिए होने वाली क्योंकि यश तो देखने को मिलेगी, लेकिन साथ साथ संजू बाबा यानी संजय दत्त भी देखने को मिलेंगे, रवीना टंडन देखने को मिलेंगे। प्लस मैं आपको बता दूं कि मेकर्स लोग ने कुछ ही दिन पहले अनाउंस किया था कि ये मूवी है इस बार बच्चे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वायलेंस देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जो आप लोगों ने कभी भी देखे नहीं थे किसी और फिल्म में। और इसका जो क्लाइमेक्स है, इंडियन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होने वाला है कि कोई क्लाइमेक्स इतने बड़े स्केल में शूट किया गया हो, तो आप सोच लेना कि इसका क्लाइमेक्स कैसा होगा। जितनी मुझे अपडेट मिली मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो को यही खत्म करते और आप मुझे कमेंट करके जरूर अपनी एक्साइटमेंट बताओ। तो बस मैं हूं राशि शेख और मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दुआ में याद रखना।